हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की जो हिमकोलिन जेल आती है उसके बारे में। आपने लास्ट वीडियो पे जो कि मेरी ये वीडियो थी इस पे बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। उससे रिलेटेड मैं फिर हिमालय की जो सेकंड वीडियो है वो आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि हिमकोलिन जेल है। हिमकोलिन जेल आपको देखने को मिल जाएगी, आपको इसके यूजेस, डोजेस, साइड इफ़ेक्ट क्या कुछ है क्या नहीं है, उस सारी जानकारी आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। देख लेते हैं कि हिमकोलिन जेल आपको किस, सबसे पहले प्राइसिंग देख लेते हैं इसकी क्या है। प्राइसिंग वैसे तो इसके ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो 120 तो 140 आपको मिल जाएगी। मतलब अगर आप 150 रुपये लेके चलो तो आपको ये जेल मिल जाएगी। उसके बाद किस काम में आती है, जैसे कि आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इन समस्या को आपको ये दूर करेगा। अगर आपका तनाव नहीं बनता, टाइटनेस नहीं होती, उसके बाद शीघ्र पतन जैसी कोई समस्या है तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। अब इसका देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर हमें दो हब्स मिल जाते हैं। कंपोजिशन क्या है इसकी, इसके अंदर दो हब्स मिलेंगे आपको। जो सबसे पहला हब्स है वो आपको मिलेगा ज्योतिषीमती, ठीक है। ज्योतिषीमती जो हब्स है वो आपका क्या काम करेगा कि आपके जो मसल्स हैं या फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है उसकी नसों को सुन करेगा। मतलब कि जो पेनिस की नसें होती हैं, लिंग की नसें होती हैं, उनको वो सुन करने का काम करेगा। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारे इसके अंदर दूसरी हब्स कौन सी है। दूसरी हब्स है इसके अंदर लता कस्तूरी। तो लता कस्तूरी का हमारा क्या काम होता है, लता कस्तूरी क्या है, जो हमारे पेनिस की नसें उसके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। मतलब कि जो ब्लड फ्लो होगा उसको इंक्रीज़ करेगा नसों में। जो हमारी काफ़ी ना पतली पतली छोटी छोटी नसें होती हैं उनका जो ब्लड प्रेशर होगा उनको इंक्रीज़ करेगा, उनके जो अंदर सर्कुलेशन होगी ब्लड की उसको इंक्रीज़ करेगा। तो हमें दो मेन हब्स इसको देखने को मिल जाती है इसके अंदर, जिसका आपको काम पता लग गया है। अब देख लेते हैं कि भाई इसको ना यूज़ कर पाना, कौन इसको यूज़ नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आप सोचते हो कि भाई जिनका टेढ़ापन है या जिनका लिंग टेढ़ा है सीधा हो जाएगा तो उसमें यूज़ नहीं होगा, या फिर आप सोचते हो कि हमारी स्पर्म क्वालिटी बढ़ जाएगी या स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे तो वो भी इससे बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि भाई मन नहीं करना, उत्तेजना पैदा नहीं हो सकती, इससे वो भी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि भाई इससे स्टेमिना इंक्रीज़ हो जाएगा, तो स्टेमिना भी इससे इंक्रीज़ नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं कि भाई कितनी उम्र के लोग हैं जो इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे देखो 20 से लेके 30-40 एज तक के जो लोग हैं इसे यूज़ कर सकते हैं। जो ज़्यादा ही एज होगी जिनकी 60 से 70 तक, वो इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। हमें इसको टॉपिकली लगाना होगा, मतलब ऊपर की साइड। उसके बाद हमें साइड इफ़ेक्ट अगर कुछ देखने को मिलेगा तो क्या मिल सकता है, किसी की स्किन अगर ज़्यादा पतली है तो हमें कुछ रेडनेस जैसी या रैशेज जैसे देखने को मिल सकते हैं। वो भी कोई रेयर चांसेस में, कोई 1000 में से 1 होगा जिसको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वैसे आपको कोई समस्या नहीं होगी इसमें। इसको लगाना कैसे है, आपको फोर स्किन को पीछे करने के बाद अपने टॉपिकल के ऊपर, टॉपिकल लगाना है ये कैप के ऊपर, तो उससे आपको ये बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कैसे करना है, अगर आप 10 मिनट पहले भी इसको लगाते हो तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसकी मालिश भी करना चाहते हैं तो सुबह शाम में इसकी आप मालिश कर सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। उससे क्या होगा, अगर आप मालिश करते हो तो इसके जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो आगे आपको बार बार ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसकी मालिश करते हैं। तो ये कुछ जानकारियाँ थी आपके हिमकोलिन जेल के बारे में, आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, शेयर करो, सब कुछ करो। तो ये थी कुछ जानकारी, धन्यवाद।